Hello everyone, welcome to my channel. I am going to discuss array. What is array? Array is a collection of similar or homogeneous data items stored in contiguous memory location is called array. Why we study array? Consider a primitive data types int a. A is a variable which is integer type. 2 byte space allocate in memory. Integer takes 2 byte, in some case it takes 4 byte depending on OS. We consider 2 byte. Suppose we want to assign a is equal to 10. 10 is stored in this location. Again, we want to assign 20. Then 10 replaced by 20. Again, we assign a is equal to 30. Then 20 replaced by 30. Means by using primitive data structure or primitive data types, we can store one element at a time. We cannot store multiple element in a primitive data structure. This is the main problem we study array. इसको इस तरीके से समझते हैं. Suppose आपके पास 100 employee हैं. उन 100 employee का आपको नाम store करना है उनका. उनका mobile number store करना है. और उनका ईमेल आईडी सपोज स्टोर करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन केस ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर आपको 100 वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे. उन 100 वेरिएबल्स को हैंडल करना इट्स अ कॉम्प्लेक्स टास्क. ठीक है, बट बाय यूजिंग एरे वेरिएबल वी कैन हैंडल वेरी इजीली. वी कैन स्टोर 100 एलिमेंट और मोर देन 100 एलिमेंट इन अ सिंगल एरे वेरिएबल. दैट्स वाई we study array. What is the declaration of array? Declaration of array. First, what is syntax of array? Consider example int a. This is a normal variable declaration. Int is a data type. A is a variable name. One thing is added in case of array is size of array. ठीक है, तो यहां पे आपका आएगा size of array. This is the syntax of declaring array. Data type, array name and size of array. जैसे ही आप ये लिखते हैं, a block of memory is created. 1, 2, 3, 4, 5. Size of array means we can store 5 elements like 1, 2, 3, 4, 5. We can access element by using index. What is index? Index start with 0 and size minus 1. Kitna size? 5. Start with 0, 1, 2, 3 and 4. Size minus 1 kitna hoga? 4. To jab bhi hum kisi array se kisi element ko access karte hain, to kiski help se karte hain? Index ki help se karte hain. Theek hai? And each block contain 2 byte memory. Theek hai? And jo ye aapka block hai, is block ka apna ek address hota hai. जो बेसिकली में हेक्साडेसिमल में होता है, बट फॉर सिंपलिसिटी वी कैन टेक लाइक 2000. नेक्स्ट ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा? 2002. नेक्स्ट का क्या होगा? 2004. नेक्स्ट का 2006 और नेक्स्ट होगा 2008. मींस एट ईच ब्लॉक कंटेन 2 byte स्पेस. ठीक है, तो 2002, 2002, 2004, 2006 एंड 2008. जब भी हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हैं किसी भी एरे में, तो किसकी हेल्प से करते हैं? एड्रेस की हेल्प से करते हैं. ठीक है, सपोज आपका ए क्या है? एरे वेरिएबल है. तो आपका ये जो आपका एरे वेरिएबल है, एरे वेरिएबल कंटेन्स बेस एड्रेस. जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस. बेस एड्रेस. तो यहां पे आपका क्या होगा? 2000 यहां पे स्टोर होगा. ठीक है, अब आप यहां पे सोच रहे होंगे, ए इज अ नॉर्मल वेरिएबल,
देन ये एड्रेस कैसे स्टोर कर पा रहा है, ठीक है। तो ए इज अ इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल, इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल। ए क्या है आपका, इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल है। जो भी आपका एरे है इसको इंटरनली एज अ पॉइंटर वेरिएबल ट्रीट करता है, ठीक है। ऐसे आप देखेंगे तो कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि ए आपका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल, क्योंकि कहीं पे भी स्टार नहीं है, ठीक है। तो ए क्या है आपका, इंटरनल पॉइंटर वेरिएबल्स। सपोज वी वांट ए टू, मींस आप कोई वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं किस लोकेशन में, सेकंड लोकेशन में। तो ए टू इक्वल टू क्या होगा, अरे ए की सेकंड लोकेशन में क्या वैल्यू है, थ्री, ठीक है। आपको थ्री एलिमेंट्स यहां से मिल जाएगा, बट इंटरनली क्या हो रहा होता है, इंटरनली इस तरीके से वैल्यू नहीं होता, वैल्यू आपको नहीं मिलती। कैसे मिलती है, स्टार बेस एड्रेस प्लस जो भी आपकी लोकेशन है टू इंटू साइज ऑफ डेटा टाइप। तो यहां पे आपका बेस एड्रेस कितना है, बेस एड्रेस आपका है 2000 प्लस 2 इंटू इंटीजर का साइज कितना है, क्योंकि आपका जो एरे है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो एरे साइज कितना है यहां 2, तो टोटल कितना हो गया आपका, स्टार 2000 प्लस 4, तो टोटल क्या आ गया, स्टार 2004, ठीक है। एंड 2004 पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 3। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, स्टार का मीनिंग होता है वैल्यू एट दिस एड्रेस, ठीक है। और जो आपका ये नोटेशन है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ, डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड एम्परसेंट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, और इसका मीनिंग है एड्रेस ऑफ, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल में इस तरीके से इंटरनली प्रोसेस होता है और आपको वैल्यू मिल जाती है, क्लियर। तो ये है आपका सिंटैक्स ऑफ एरे। नेक्स्ट है आपका हाउ टू असाइन वैल्यू डायरेक्टली। सपोज इंट ए 5, इसका मीनिंग क्या हुआ, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज क्रिएटेड, 0, 1, 2, 3, 4, अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी क्रिएटेड, ठीक है। हर ब्लॉक का अपना एक एड्रेस होगा, 2004, 2006 and 2008, ठीक है। इनिशियल में जैसे आप सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, कोई भी अगर इंटीजर वैल्यू है और आप उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, गार्बेज वैल्यू होता है। सेम आपका यहां पे, अगर आपने इंट ए 5 किया है, मींस 5 ब्लॉक क्रिएट हो गए मेमोरी में, तो बाय डिफॉल्ट यहां पे क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होती है, ठीक है। ये सिस्टम ऑटोमेटिकली यहां पे कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर देता है, ठीक है। इंट ए 5 इक्वल टू, अगर आप डायरेक्टली कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं एरे में, तो करली ब्रैकेट में आप 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, आप डायरेक्ट वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मींस ब्लॉक ऑफ मेमोरी इज क्रिएटेड, 0, 1, 2, 3, 4, क्या क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस तरीके से आप डायरेक्ट किसी भी एरे में वैल्यू असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपने लिखा इंट ए 5 इक्वल टू 7, 5, ओनली 2 वैल्यू आपने असाइन करी, देन क्या होगा, उस केस में जो भी आपकी मेमोरी एलोकेट होगी, इनिशियल में क्या होगा, 7, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 5 आपका 0 पोजीशन और 1 पोजीशन पे स्टोर हो जाएगा, बाकी पोजीशन में बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर आप यहां पे 2 वैल्यू असाइन कर रहे हैं या 3 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बाकी के लोकेशंस पे आपका बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू आ जाएगी, 0,
ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली किसी भी एरे में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउ टू प्रोसेस एलिमेंट इन एरे, ठीक है। किसी भी एरे में हम एलिमेंट को कैसे प्रोसेस करेंगे, कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे एरे में वैल्यू स्टोर करेंगे, तो बाय यूजिंग लूप। लूप आपका क्या है, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप, व्हाइल लूप, इनकी हेल्प से हम वैल्यू इंसर्ट भी कर सकते हैं और वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको किसी भी एरे में यूजर से कोई इनपुट लेना है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लूप की हेल्प से आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। कैसे, फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन साइज ऑफ एरे, कितना है एरे का साइज, 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, scanf, ये आपका परसेंटेज डी, एड्रेस ऑफ ए आई, इसका मीनिंग क्या है, आपको पता है जब भी हम एरे में कोई वैल्यू स्टोर करेंगे तो किसके बेस पे करेंगे, इस एड्रेस के बेस पे करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखना होता है, एड्रेस ऑफ ए आई, इसका मीनिंग क्या है, जब आई की वैल्यू जीरो होगी तो क्या होगा, यहां पे एड्रेस ऑफ ए जीरो, और ए जीरो पे क्या एड्रेस है, 2000, ठीक है। तो एड 2000 पोजीशन पे जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे वो स्टोर हो जाएगा। तो ये लूप की हेल्प से आप कोई भी वैल्यू एरे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, आप कोई भी वैल्यू अगर प्रिंट कराना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं बाय यूजिंग एरे, तो कैसे करेंगे, आप किसकी हेल्प से करेंगे, लूप की हेल्प से करेंगे, ठीक है। फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई प्लस प्लस, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आई, आपको पता है जब हम कोई वैल्यू एक्सेस करते हैं तो किसकी हेल्प से करते हैं, हम लोकेशन की हेल्प से या इंडेक्स की हेल्प से, ठीक है। तो इंडेक्स क्या होगा, 0 से लेके साइज माइनस 1, तो जैसे यहां पे आपका प्रिंट है परसेंटेज डी ए 0, तो ए 0 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, जैसे यहां पे ए 1 होगा ए 1 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए 2 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए 3 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, एंड ए 4 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यूज करेंगे किसके लिए, वैल्यू इंसर्ट करने के लिए, और ये यूज करेंगे हम किसके लिए, वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। आइए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू इंटर 10 एलिमेंट्स एंड ऑल्सो डिस्प्ले द एलिमेंट, मेन इंट I, int a 5, अगर 10 वेरिएबल्स के लिए तो आप यहां पे 10 कर देंगे, ठीक है। साइज ऑफ अरे, जितने एलिमेंट्स आपको इंसर्ट कराना है उतने एलिमेंट्स यहां पे आप उतना साइज यहां पे स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। प्रिंट एफ एंटर द एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट फॉर आई इक्वल टू जीरो, कहां तक ले जाना है, आई लेस देन साइज माइनस 1, आई प्लस प्लस, स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए आई, प्रिंट एफ डिस्प्ले एलिमेंट्स फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आई, गेट सी एच। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से आप एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे और प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ एरे, फर्स्ट एडवांटेज है आपका
एक्सेस एनी एलिमेंट इन द एरे, मीन्स एरे में हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स रैंडम एक्सेस पॉसिबल है इन केस ऑफ एरे। इंडेक्स की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड एडवांटेज है आपका सिमिलर डेटा टाइप। इन केस ऑफ एरे वी कैन स्टोर सिमिलर डेटा टाइप, मीन्स अगर इंटीजर सपोज 100 एलिमेंट्स हैं जो कि इंटीजर टाइप के हैं तो उनको हम एरे में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, सुटेबल व्हेन नंबर ऑफ साइज इज ऑलरेडी नोन। की एडवांटेज ये है कि अगर आपको ये पता है कि हमारा जो नंबर ऑफ इंप्लॉई है वो 100 है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इंट ए 100, उसका साइज हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं 100, ठीक है। तो ये इसकी एक एडवांटेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू। एरे की हेल्प से हम जो आपके लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं लाइक स्टैक एंड क्यू। तो ये आपकी सारी एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है आपका लिमिटेशंस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। फर्स्ट डिसएडवांटेज है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस, मींस स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस होता है कंपाइल टाइम पे जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस। मींस अगर आपने कोई एरे लिया इंट ए, टाइम कंपाइल टाइम पे ही आपने इसका साइज 100 स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 100 ब्लॉक मेमोरी क्रिएट कर देगा। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि सपोज आपने ए इक्वल टू 100 कर दिया, 100 ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो गए, बट आप उसमें सिर्फ 10 एलिमेंट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, बाकी के जो 99 ब्लॉक है ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, मेमोरी वेस्टेज, मींस आपकी मेमोरी क्या है, वो बेकार है, वो किसी यूज में नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस, ठीक है। और जो आपका मेमोरी वेस्टेज है वो एग्जांपल आपने देख लिया, अगर 100 एलिमेंट है और आपने सिर्फ 10 एलिमेंट्स इंसर्ट किए हैं तो बाकी 99 ब्लॉक क्या होंगे, वो वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है, उनका आप फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन डिसएडवांटेज है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशंस एंड मेमोरी वेस्टेज। नेक्स्ट है आपका नो बाउंड चेकिंग। इसका मीनिंग क्या है, एरे जो है वो अपनी बाउंड्री को चेक नहीं करता, कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं हम, मेन इंट आई इंट ए 5 फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 100 आई प्लस प्लस स्कैन एफ परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए आई फॉर आई इक्वल टू 0 आई लेस देन 100 आई प्लस प्लस प्रिंट एफ परसेंटेज डी ए आई। सपोज आपके पास ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि एरे का साइज कितना है, 5, ठीक है। जब आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं तो एरे कहां तक चल रहा है, 100 तक, ठीक है, यानी आप यूजर कितने एलिमेंट्स इंटर करेगा, 100 एलिमेंट्स इंटर करेगा। तो जब वो 100 एलिमेंट्स इंटर करेगा तो क्या होगा, वो बेसिकली में क्या होगा, एरे का साइज तो 5 है लेकिन लूप कितनी बार चल रहा है, 100 टाइम्स। इसका मतलब यूजर से वो 100 एलिमेंट्स तो लेगा, ठीक है, लेकिन जो स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट है वो इस पोजीशन पे स्टोर हो जाएंगे, ठीक है, जो भी एरे ए है, ठीक है, ये जो एरे ए है सपोज 10, 20, 30, 40, 50, ये तो आपका इस एरे में स्टोर हो जाएंगे, बाकी के जो आपके 95 एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाएंगे। जब हम उसको प्रिंट कर रहे होंगे तो सिर्फ हम 5 एलिमेंट्स को प्रिंट कर पाएंगे, बाकी के 95 एलिमेंट्स को हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे। मींस जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो जो एरे है वो अपनी बाउंड्री चेक नहीं करता, वो ये नहीं मना करता कि आपका जब 5 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके हैं उसके बाद वो कोई मैसेज दे कि अब एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं कर सकते। तो ये इसकी मेन डिसएडवांटेज है, नो बाउंड चेकिंग, ये बाउंड्री चेक नहीं करता। नेक्स्ट है लास्ट, इंसर्ट एंड डिलीशन इज टाइम टेकिंग। जो आपका इंसर्टिंग है और डिलीशन है ये टाइम टेकिंग है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।